चले हट जाए यहाँ से। आप लोगों को किसने बुलाया है? जाए यहाँ से, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर मत किया करें। चले चले जाए यहाँ से, जाए। हाय, पता नहीं कैसी जनरेशन है आजकल की भाई। हाय, शुक्र, ओह शुक्र है। यालन सुनो, तुमने क्यों धक्का दिया मेरे भाई को? शुरू तुमने किया था, मैंने तो नहीं कहा था कि बोलो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, लेकिन मैं मजाक कर रही थी, तुमने लड़ाई शुरू कर दी। हंस क्यों रहे हो? दानिश? क्या? भाई का फोन आया है? क्या पागल लड़की है ये? मुझे शुरू से लगता था इसका दिमाग खराब है, पागल लड़की। बोलो मेरे भाई। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, गुड न्यूज। प्रेस वालों को पता है तुमने डैफने को किडनैप किया है। क्या? उन्हें कैसे पता कि मैंने डैफने को अगवा किया है? हबीबे को थैंक्स कहना, सोशल मीडिया पे फैला दिया है। मुबारक हो यालिन साहब, आपका ये टॉपिक पूरे टर्की में टॉप ट्रेंडिंग पे है। टॉप ट्रेंडिंग पे? अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो गया है? हम भी मशहूर हो गए? वाह यार, आ जाओ जरा एंजॉय तो करें अपने फेम को। चलो अच्छी सी तस्वीर बनाकर अपलोड करते हैं, आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो डैफने? डैफने, डैफने बंद करो इसे। निहाल तुम इधर आ जाओ। निहाल उधर है? क्या कहा तुमने? निहाल का नाम लिया? वो वहाँ कब और कैसे पहुंची? आखिर ये सब क्या है यार? छोड़ो यार, लंबी कहानी। निहाल यहाँ है मेरे साथ, उसके लिए परेशान मत होना। ये सब मतलब न्यूज वगैरह दादा को तो नहीं पता ना? जाहिर है, दादा का गुस्सा मत पूछो। और हाँ, तुफैल भाई भी बहुत गुस्से में है, समझे? तुम अभी कुछ दिन तक वहीं रुको ताकि उनका गुस्सा कम हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम कुछ दिन यहीं रुकते हैं, अपडेट करते रहना। ओके, खुदा हाफिज। प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है शायद, दादा और तुफैल भाई का गुस्सा साथ में आसमान पर है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, वो वैसे ही नहीं चाह रहे थे, अब देखो वो क्या करते हैं। अब ऊपर ही जाकर मिलना तुम लोग। चलो डैफने। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यालन? निकाह की तैयारी करनी है, चलो। क्या? हम कल ही निकाह करेंगे अगर मुमकिन हुआ तो। क्या? ओप्स, ये तो कमाल हो गया ना। मेरी तरफ से इजाजत है, कुछ देर तो अकेला रह सकूंगा मैं। एक मिनट, अरे क्या हो गया है, क्या होश खो बैठे हो तुम दोनों? देखो तुफैल भाई तुम्हें गोली मार देंगे। यार पता नहीं, लेकिन ऐसा करने से वो बहन को बेवही करेंगे। हाय, तौबा करो अल्लाह से, तौबा। हे, अपने हाथ दूर रखना, मेरी बहन से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, समझे? यार कहा तो है कल हम शादी कर रहे हैं, तुम भी ना। यार क्या खड़ूस पना है पोलाद, कहा तो है ना दोनों ने कि कल दोनों शादी कर रहे हैं। इसे लाइन पर लाना बहुत मुश्किल है यार, मजबूर हूँ मैं, क्या करूँ। अगर तुम समंदर पर होते ना, फिर बताता मैं तुम्हें कि कैप्टन पोलाद क्या चीज है। कैप्टन पोलाद? तो क्या ख्याल है हम समंदर में चले? अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, फ्रेश एयर होगी, बहुत मजा आएगा भाई। वाह, तौबा है भाई, कैसी फजूल बातें हो रही हैं यहाँ, क्या अकल बिल्कुल खत्म हो गई है यार। तो इसमें बुराई क्या है, सोचो जरा कितना अच्छा होगा, कोई मेहंदी नहीं, बारात नहीं, शादी का खाना नहीं। हाँ सही कह रहे हो, मेरी भी चौकीदारी खत्म हो जाएगी, जान छूटेगी। ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली नहीं होगी, मेरे भाई नहीं होंगे, दादी नहीं होंगी, लैला नहीं होगी, उनके बिना मैं क्या करूंगी? तो फैल भाई का भी तो होना जरूरी है। बेवकूफ लड़की डैफने, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, पता है ना ये बात? मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे बिना अगला लम्हा भी नहीं चाहता मैं डैफने। लेकिन मैं फैमिली के बगैर शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। पहले हम निकाह कर लेते हैं, फिर वो तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकेंगे, उसके बाद सबको राजी करके शादी कर लेंगे, ठीक है? फिक्र मत करो तुम।
वाकई में? तो और क्या, उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। भाई तुम तो हमारे साथ हो ना भाई? हमेशा रहूंगा मेरी बहन, हमेशा। ओके देन, हमें चलकर शादी की तैयारी करनी है। टांग हटाओ यार अपनी, पागल करते हैं इन लोगों ने, कसम से हाथ होती है। आदम बाहर मत आना, बस आइडिया दो मुझे, लेकिन तुम बाहर नहीं आना बस। खामोश हो जाओ, खामोश, कहना नहीं आना। जा क्यों नहीं रहे? हाँ तुम्हारे साथ मसला क्या है तुम मुझे बताओगे या मैं किसी और तरीके से पूछूं तुमसे? कौन हो तुम, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ मुंह से फूटोगे या मैं पुलिस को कॉल करूं? बोलो। क्या डर नहीं लगता मुझसे? नहीं, और वैसे भी मैं क्यों डरूंगी तुमसे? वैसे डरपोक तो मैं हूं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम शायद पागल, और तुम पागलों की डॉक्टर, इसीलिए तो मैं डरी नहीं तुमसे। तो तुम इसीलिए यहां खड़े थे, बोलते कि अपॉइंटमेंट चाहिए। खैर तुम खुद को पागल कहना बंद करो। अगर तुम किसी चीज से परेशान हो तो मतलब तुम पागल थोड़ी हो। लेकिन मैं किसी से भी परेशान नहीं हूँ, बस खुद से हूँ। तो क्या हुआ, हो जाएगा इलाज, साइकोलॉजिस्ट आसले कहते हैं। तुम अब हाथ छोड़ोगे मेरा? अच्छा खैर, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा ये कार्ड रख लो। देखो तुम यहां मत खड़े हो, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे रही हूं, सीधे क्लिनिक आ जाना। ये लो। क्या यही नहीं हो सकता? मुमकिन नहीं है, मुझे अभी फॉरेन क्लिनिक पहुंचना है, मगर तुम कल आ सकते हो, ठीक है ना? खुदाफिज़। ओ नाम क्या है तुम्हारा? इबलीस। इबलीस मतलब? खैर जो भी है, अच्छा नाम है। ठीक है, तुमसे फिर कल मुलाकात होगी इबलीस। खुदा हाफिज। आदम इतने अरसे से यह एहसास छुपा रखा था, हाँ?
लैला जरा बताना नीचे क्या जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? अब ये क्या है? मैं तारुफ करवा देता हूं आपको। ये है कबायली फौज, बीच में ये कप्तान बैठी हुई है, और ये है हमलावर है बीच में, और ये लैला है इनकी मुहाफिज। लैला, तुम भी इनके साथ मिल गई? मेरे खिलाफ जाओगी तुम? इतनी अकड़, और वो भी हमसे। बरूची है हम, याद रखना, देख लेंगे। हौशका, सुनो हबीबे, ये लोग तो चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे वाले का क्या हुआ? हाँ हाय, मुझे नहीं मालूम भाभी, आखिरी नजम भी लिखे उसको काफी टाइम हो गया है, कहीं वो मुझे एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहा। तो तुम्हें कोई नजम लिखनी चाहिए, चलो लिखो जल्दी। तो फैल भाई ने तो फोन ही ले लिया है मेरा, कैसे लिखूंगी अब? अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे फोन से लिख लो, ये लो। नहीं नहीं, ये मेरे वकार के खिलाफ है। हबीबे वैसे तुम माफ करना मुझे, हाँ तुम मेरे शोहर के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई थी ना? हाँ, यानी तुम ये बात कर रही हो? अजीब सा लग रहा है। हाय, ये तो ठीक कहा तुमने, मैं तो बेवकार कभी थी ही नहीं, हमेशा अपने दिल की सुनी है मैंने, तो फिर अब क्यों नहीं? मैं क्यों सोचूं? चलो देखते हैं पुरस्कार आदमी क्या कह रहा है। जल्दी से लिखो हबीबे। हवाओं ने साहिल को धो दिया, खिजान ने पत्तों को बिखेर दिया, सोचा तुम खामोश क्यों हो, तो हिम्मत करके पूछ दिया, शायद तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो, यही ख्याल आ रहा है मुझे, आजकल दिन और रात गुजर नहीं पाते, तुमने ऐसा जादू कर दिया है मुझ पे। तुम मेरे सामने मत आओ, वरना मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगा। कोई खबर मिली क्या? मैं लड़की से मिला, याली नाराज की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो फिर कुछ मालूम हुआ? अभी नहीं, मेरा कल उस लड़की से अपॉइंटमेंट है, तब बात करूंगा मैं। ठीक है, चाहे कुछ भी करो, मुझे वो लड़का चाहिए, समझे? कुछ भी करूं मैं, इन्हें मैं पागल ही लगता हूं। यार अब तो हद हो गई सच में। हेलो गाइस, दरअसल अभी याली नाराज और दानिश हराज यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम खुद कोई बयान नहीं दे सकते, इसलिए आप लोग ऐसा करें कि बाद में आ जाइएगा या वेट करें। मुझे जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, बाद में मिलते हैं, सबको खुदा हाफिज। और मजीद कितना इंतजार करना होगा मैं यार?
दरवाजे से आ जाएं आप, अगर इन्होंने देखा तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। यार देखो तुमने, आज तो हद ही हो गई। दानिया थैंक्स यार, अगर आज तुम ना होती तो मैं बुरी तरह फंस जाता। थैंक्स अगेन। पता है तुम्हें, घर भी पहुंच गए थे, इनकी वजह से आज मैं मीटिंग में भी लेट हो गया। मेंशन नॉट सर, ऑलवेज वेलकम। अच्छा तो फिर मीटिंग कैसी रही आपकी? हाँ अच्छी रही वाकई। इरोल साहब तो यही सुन के खुश हो गए कि याली ने डेफने को किडनैप कर लिया है। पता है बजट भी बढ़ा दिया है खुशी खुशी। सुपर्ब। तो फिर आप यालन सर को नहीं बताइएगा ठीक है, और कहिएगा वो इसी तरह से काम करते रहें। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, देख लो। चलो अब शैतान से बात करते हैं दानिया, आप बोलो यालन। ये क्या बोल रहे थे तुम? हाँ अरे यार कुछ नहीं, खैर तुम सुनाओ क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो? सब ठीक है मेरे भाई, मैं और डेफने शादी करने वाले हैं बस। क्या क्या कहा तुमने? अरे आराम से यार, क्या हो गया तुम्हें? बात ये है डेफनी और मैं कल शादी कर रहे हैं। यार तुम इतनी आराम से कैसे बता रहे हो कि कल तुम लोग शादी कर रहे हो, कैसे? क्या वो लोग शादी कर रहे हैं? यस यस यस। ओ दानिया भी वही है। दानिया सुनो तुम भी हमारी शादी में आ जाना। दानिश सुनो मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, तुम यशम और सिनान को रात को यहाँ ले आना ठीक है? दानिश सिनान भाई से कुछ मत कहना, उन्हें मैं खुद बता दूंगी ठीक है? चलो दानिश ख्याल रखना, सबको लेकर आ जाना ठीक है? और हाँ दानिया से भी पूछ लेना ठीक है ना? चलो फोन रखता हूँ। हाँ तो क्या कहा सर ने? शादी कर रहे हैं, जाना है तुम्हें? नेकी और पूछ पूछ, मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। क्या बात है, चले हाई फाइव करें। दानिया यशिम और सिनान को कैसे पिक करें? मतलब तुफैल भाई तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ सोचो। हद है यार, बहुत हवा है बाहर। हो सकता है बर्फबारी हो जाए बाहर, जैसी हवाएं चल रही उन्हें देख के ऐसा ही लगता है। बस अब पासपोर्ट दे दो मेरा। इतनी जल्दी क्या है चुड़ैल? हाँ तुम्हें भी जाना है कहीं क्या? यहां रुकने की अब कोई वजह नहीं। एक मिनट रुको जरा, डेफने ने सबको कॉल की है, सब आ रहे हैं, मजा आएगा यार और क्या। ये देखो क्या मिला, ये भी लाया हूं देखो। इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? पासपोर्ट। अरे यार ये लो, जान छोड़ो मेरी, लो। हर किसी की जान छूट जाएगी।
खानदान की काली भेड़ बनना मुश्किल काम है ना नीले बालों वाली। तुम्हें तो पता होगा। जाहिर है। वो मेरी वजह से मर गई। तुम्हारी अम्मी? अम्मी भी और बाबा भी दोनों मेरी ही वजह से मर गए। कोई भी किसी की वजह से नहीं मरता यार। लेकिन मेरी फैमिली मेरी वजह से मर गई। मैं बाहर थी उस वक्त। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने कॉल करके बाबा से कहा मुझे लेने आए। बहुत इंतजार किया उनका लेकिन वो आए ही नहीं। और फिर दानिश आ गया। गाड़ी बारिश की वजह से फिसल कर समंदर में गिर गई। अगर वो मुझे लेने ना आए होते तो आज जिंदा होते। बेवकूफी। नहीं, जिससे भी प्यार करूं उसे तकलीफ पहुंचाती हूं। हाँ, तुमने तो दुनिया तबाह कर रखी है। सच है, इतनी आसानी से बताने का शुक्रिया। जरूरत नहीं है, अब बस कर। तो फिर तुम्हें बारिश से नफरत है क्या? बारिश से क्यों नफरत होगी? तो क्या बारिश खुद से नफरत करती है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब तुम अकेली कसूरवार नहीं हो। मतलब जितनी मेरी वजह से मुसीबतें आई हैं ना लोगों पे, उस पे पूरी एक किताब छप सकती है। समझ आई तुम्हारे? हाँ, लेकिन एक बात है जो मुझे मालूम है। हर चीज किस्मत पे शुरू होके किस्मत पर ही खत्म होती है। ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है नीले बालों वाली। किस्मत के आगे कुछ भी नहीं है। पिक करने के लिए ना भी आते तो भी उनकी जान जा सकती थी। तुम अलग ही किस्म के इंसान हो यार। क्या मतलब, बहुत बुरा हूं मैं? पता नहीं मुझे। यानी ना तुमने अफसोस किया और ना ही मुझे इल्जाम दिया। अच्छा लगा है मुझे। ये बताने की जरूरत नहीं थी वैसे, नीले बालों वाली। लेकिन मुझे अब खाना खाना है फौरन, मैं भूखा हूं। जहर है, चाहिए क्या? अरे ऐसी बातें नहीं करते यार, लड़की हो तुम आखिर। और वो रहा सामने किचन, चलो कुछ बना कर लेकर आओ मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह यार, कभी ख्वाबों में भी नहीं। मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मजाक नहीं समझना मेरी बात को, बता रहा हूँ मैं, मार दूंगा। जो कहे वो कर। क्या जमाना आ गया। ऐसा लग रहा है कि बहू बेटियां घर में हैं ही नहीं। कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि घर में खाने में क्या पकेगा।
तुम लोग बोर क्यों नहीं हो रहे ऐसे बैठे बैठे? ओ हाँ, दरवाजा भी तो मुझे ही खोलना है यशिम। सबर दे अल्लाह मुझे, सबर दे अल्लाह मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगा किसी को भी। दानिया? अस्सलाम वालेकुम सिनान भाई, मुझे यशिम मैम से कुछ काम था इसलिए आई हूँ, अर्जेंट है। हाँ हाँ आओ ना। थैंक यू। दानिया? अस्सलाम वालेकुम यशिम मैम, सॉरी आपको थोड़ी तकलीफ दी, मुझे इस डॉक्यूमेंट पे आपके साइन चाहिए थे, मतलब होटल सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बहुत अर्जेंट था इसलिए मैं यहाँ आ गई साइन करवाने के लिए। सॉरी मैं पेन लाना भूल गई, पेन पेन भूल गई है, देखो मैं लेके आती हूँ, मैंने शायद अंदर देखा था, हाँ अंदर रखा है पेन, मैं जरा लेकर आती हूँ पेन, आप लोग वेट कीजिए। फिर से माफी चाहती हूँ, आप सबको तकलीफ दी मैंने। दानिश? शोर नहीं। क्या हुआ यार? अब सुनो गौर से। शैलेन और टेफ ने शादी कर रहे हैं। क्या? ये चीख की आवाज सुनी तुमने? नहीं नहीं मुझे तो नहीं आई। यशिम की ही आवाज थी? नहीं वो बाहर से कुछ आवाज आई है। बात सुने मेरी, वो सड़क से आवाज आई थी। अरे वहां यशिम चीख रही है। नहीं बाहर से आई थी। यार कसम से ये क्या बेवकूफी है, मैं कह रहा हूँ यशिम की आवाज थी वो। हाँ मैं थी, मैंने चीख मारी थी। क्यों? क्योंकि आईडिया आया था कि क्यों ना हम दोनों हनीमून पर चले। हाँ बताओ फिर कैसा लगा मेरा आइडिया मिर्जा? एक मिनट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ दिन दिन तक सुनो हबीबे, हमने तो इन लड़कों को एटीट्यूड दिखाने का प्लान किया था। हाँ, ये हनीमून कहाँ से आ गया बीच में पता नहीं। हाँ तो बेगम अब क्या हुआ, हो गई बोलती बंद, कहाँ गया वो बहनचारा? मेरा ख्याल है तुम्हें अकल आ गई होगी अब, वैसे अब अपने शैतानों को धोखा देने का इरादा है क्या? वाह वाह सिनान बेटा वाह, लड़की है या जलेबी? हाँ हाँ मैं जलेबी ही हूँ दादी जान, टेढ़ी 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 सही लेकिन मीठी तो हूँ ना कम से कम। चलो मैं तफसील बता दूँ मेरी जान। मैं इद्रीस के कमरे में गई थी ना वो पेन लेने के लिए, हाँ तो बस मुझे ख्याल आया इद्रीस का, फिर वो मेरा दिल चुन्ने मुन्ने बच्चों का करने लगा। ये झूठ तो नहीं ना जो मैं सुन रहा हूँ? हमारे छोटे से चुन्नू मुन्नू, हमारे छोटे से चुन्नू मुन्नू। फिर पता है मुझे एकदम ख्याल आया, इतना अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना हम दोनों हनीमून पर चले। हाँ हाय मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे इन हसीन ख्यालात पे, यशिम पहले क्यों नहीं आई है तुम्हें? वो मैंने खुद सोचा ना कि यार हम दोनों मतलब हम लोग अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं यार यहाँ पर बैठ कर, हाँ नहीं करना चाहिए, इसलिए बस मैंने सोचा कि हनीमून पर चलते हैं। क्या सच में हमारे बच्चे होंगे? हाँ, कैसा आइडिया लगा, और इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे भी हनीमून पे, आई कितना मजा आएगा ना जानू। चलो चलते हैं हम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो साइन ही नहीं किया उसने। कोई बात नहीं, इतना सा तो काम है ना, बाद में कर लेंगी वो। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं अचानक से चुन्नू मुन्नू कहाँ से याद आ गए। हबीबे Thank you.
यालन, कल जब हम खाना बना रहे होंगे तो हम दोनों की शादी हो चुकी होगी। इंशाल्लाह। लेकिन 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 हम कुकिंग नहीं करेंगे। तोपा है, आहिस्ता बोलो, भाई सुन लेंगे। जल्दी जल्दी तमीज से खाना पकाओ, समझे? वरना मैं आता हूँ वहां। हाँ, चुप हो जाए। आ जाओ, थोड़ी हेल्प करवा दो। नीले बाल वाली चुड़ैल, क्या मसला है यार? जाओ वहां पर जाओ और हेल्प करो उनकी तुम। मुझे नहीं आता है कुछ भी। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम लड़की कैसी हो। हाँ तो किसने कहा है कि मुझे समझो? मैं तो ऐसे ही हूँ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। नहीं हो सकता। तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा नीले बाल वाली। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? आ गए हैं, आ जाओ, चलकर वेलकम करते हैं। जल्दी आ। डेफने, दानिया, दानिया, डेफने, मेरा यार। पता है, मैं तो शॉक में हूँ। मैं भी यार। यालिन, ये कैसा सरप्राइज है? यार, गलती हो गई हमसे। वक्त है तुम्हारे पास, कुछ नहीं बिगड़ा, सुधार लो गलती। लेकिन गलती बहुत प्यारी है। यालिन, भाईजान, अंदर चलो। तुमसे कुछ बात करनी है वायरस। ये भी आ गए हैं। हेलो। यशिम, कौन सा वाला हनीमून है ये? और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ भाभी। एक मिनट, के तुमने अभी मुझे भाभी बोला? मेरा भाई। ये क्या है, ये लगा कर रखा हुआ है? मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बस आज ही रोक सकती हो तुम, कल के बाद तो तुम ये हक भी खो दोगे, समझी? पहले बताओ बात क्या, फिर बैठूंगा। अरे भाई, बैठे तो सही, आराम से सुनिएगा। बात यह है कि कल मेरी शादी है।